देश में लागू हुए नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर, बस और ट्रक ड्राइवर की हड़ताल का आज चौथा दिन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामलों में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान है। इसके विरोध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार समेत देश के कई राज्यों में बस और ट्रकों का संचालन ठप है। साथ ही सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। इस वजह से कई रास्ते जाम हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने हिट एंड रन कानून को सख्त बनाने का विरोध किया और चक्का जाम का आह्वान किया। इसके बाद से देश भर में हड़ताल शुरू हो गई है। AIMTC की अगली बैठक 10 जनवरी को होगी। इसमें फैसला लिया जाएगा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो किस तरह से सरकार के सामने अपना पक्ष रखा जाए। वहीं इस हड़ताल का आम आदमी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। ट्रकों की हड़ताल होने से दूध, सब्जी और फलों की आवक नहीं होगी, इसलिए कीमतों में इजाफा हो सकता है। वहीं स्ट्राइक के चलते पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी रुक गई, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ लग गई। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं, जो हर दिन जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसपोर्ट करते हैं। हड़ताल के कारण इतनी बड़ी संख्या में ट्रकों के रुकने से जरूरी चीजों की किल्लत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।